बाजार गए, जैसे आज गिरकर भागे हैं ना, तो आज तो यही कहना पड़ेगा, मार्केट फूल बरसाओ, मेरा एफ आई लौट आया है, मेरा एफ आई लौट आया है। बड़े दिनों के बाद एफ आई ने आज बड़ी खरीदारी की, बाजार अच्छा जंप लेके बंद हुआ है। तो आज जो है कुछ कहते ना, खींचे चले आए हमारे एफ आई। कल मैं गाना गा रहा था भाई, गाना गा रहे हैं वो क्या था गाना, चले तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, आज वो लौट है। कल गाने से लगता है उनको दुख हो गया कि यार कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो भाई एफ आई आज लौट के आए, बाकी इनका लौटना परमानेंट तो है नहीं, कभी भी मौका देख के भाग जाते हैं। पर आज आए, आज सारी समस्या की थी इसराइल के अटैक की, बड़ा सुबह हाहाकार मचा और कैश नेगेटिव हो गया था बुरी तरह से। और आज मैंने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को दिखाया कि कैसे कैश मैनेजमेंट किया जाता है। सुबह इतना कैश नेगेटिव था, जो मैंने रिजर्व में पोजीशंस बनाई हुई थी जिनके चलते आज मैंने मार्केट के दौरान कैश जनरेट किया, तो अब सबको समझ में आया कि मैं इस तरह की पोजीशंस क्यों बनाता हूँ, क्यों कई चीज़ों को छोड़े रखता हूँ जब वो आड़े वक्त पर काम आती है। तो अगर आप ये सब सीखना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 70 11 323 0 77 70 11 323 0 77। एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं टिप नहीं देता हूँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे भी तो एक ही जवाब होता है, अपने रिस्क एपेटाइट से काम करिए। तो सीखना हो तो आइए, टिप के लिए कभी बताइए क्योंकि हम देते नहीं हैं। तो अब जो मुझे लग रहा है, कल की कैंडल की मैंने बात की थी, वो लाल वाली कैंडल जो उत्पन्न हुई थी, मैंने कहा था ये ट्रेंड बदल देती है, आज काफ़ी हद तक वो देखने को मिला। तो आपका क्या विचार है, अब बाजार का वर्स्ट इज ओवर, बॉटम बन गया, अब ये भागेगा या अभी भी चिंता बनी हुई है? मैंने तो अपने विचार आज की वीडियो में बताए हैं, आप ध्यान से देखिएगा, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर बताई हैं। पर आप अपने विचार आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? आज जो सुबह काम हुआ भाई साहब, आदमी कांप जाए सुबह सुबह, कहाँ से आउट ऑफ ब्लू। सब कुछ ठीक था, 4-5-6 बजे तक कुछ ऐसा था ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ ब्लू आ गया कि भाई साहब इसराइल ने मिसाइल गिर दी ईरान के ऊपर। और बाद में आ रहा है कि नहीं नहीं वो ड्रोन था, कोई कह रहा है नहीं गिरी, कुछ क्लैरिटी नहीं है। आपको क्या क्लैरिटी है कि हुआ क्या, आप कमेंट में लिखिएगा, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ तो देखूँगा आपका। अब एफआईज लगातार माल बेच रहे थे, कई लोगों का मानना है कि मॉरिशियस ट्रीटी की वजह से हो रहा है। एक्चुअली मॉरिशियस ट्रीटी थी हमारी, जिसके चलते ना मॉरिशियस से जो लोग इन्वेस्ट करते थे उनको टैक्स बेनिफिट मिलता था। अब उस पर कुछ नया एग्रीमेंट लागू कर दिए जिसके चलते सबको आसानी से टैक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यूएस के फंड्स भी ना वाया मॉरिशियस लगाते थे टैक्स बेनिफिट के लिए। अब आपको कई चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी उस बेनिफिट को लेने के लिए, और हालांकि मैं बहुत डिटेल में नहीं गया, पर जो मोटा मोटा मैंने समझा वो ये, जिसके चलते माना जा रहा है कि अब यार एक बात बताओ, कोई भी ट्रीटी हो उसमें साला फालतू का टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, अब टैक्स लगेगा ना, हमारे देश में कमाओगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा। हम तो इतना टैक्स दें और एफआईज ना दें, कोई बात है? पहली बात तो उनका टैक्स देना बनता है, हम अपने देश में कमा रहे हैं इतना टैक्स दे रहे हैं, वो साले हमारे देश में कमा रहे हैं रिफंड के पैसे ले जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ना लगाओ इससे। तो दूसरी बात यह है कि देखो, जब लोग इसलिए नहीं कहीं पैसा लगाते कि हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लोग पैसा इसलिए लगाते हैं मुनाफा ज़्यादा है, मुनाफा ज़्यादा है, अगर टैक्स नहीं देना पड़ता तो अच्छी बात, कमाई से ही तो टैक्स दोगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता लॉन्ग रन में, थोड़ा टेम्परेरीली इफेक्ट यह आता है कि हो सकता है अभी एफआईज को लग रहा हो कि मॉरिशियस का बेनिफिट चला गया तो वो अपने पैसे निकाल रहे हो और वापस वो सीधा डायरेक्टली यूएस से डालेंगे, मुझे बेनिफिट नहीं है तो फिर मॉरिशियस के रूट से क्यों घुमाएं, चक्कर में क्यों पड़े, तो एक बार निकालेंगे तो फिर इन्वेस्ट करेंगे तो वापस आ सकता है पैसा, अगर हमारी मार्केट्स अच्छी हैं और ग्रोथ पोटेंशियल, जैसे कि सबकी रिपोर्ट आ रही है, IMF की भी रिपोर्ट है कि हमारी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट सबसे अच्छे हैं, हम वन ऑफ दी फास्टेस्ट, वन ऑफ दी कहूँगा वैसे तो शायद फास्टेस्ट ग्रोइंग
इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, तो पैसा तो हमारा वापस आना ही चाहिए। पर आज की बात करें भाई, अभी पहले आज की चर्चा कर लेते हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि भाई ये कैंडल मैंने जब भी देखी है उसके बाद बाजार ना बदल जाता है। आपको याद है कल बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए स्टूडेंट्स के कि सर ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा मैंने एक ओपिनियन दिया है, बाकी मैं नॉस्टैल्जिक तो हूँ नहीं, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन भाई साहब वो कैंडल आज काम कर गई। अगर आप देखेंगे आज उस कैंडल ने काम कर दिया, देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपके सामने आ गई है, ये देखिए, ये कल वाली कैंडल थी जिसका मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि यार ये कैंडल जब भी बनी है मैंने देखा है रिवर्स हो जाता है बाजार इस तरह की मोटी। एक ओपिनियन था मेरा, ठीक लग रहा है। देखिए कल ये कैंडल उत्पन्न हुई थी और आज बाजार रिवर्स कर गया। मैं बता रहा हूँ अगर आज ये स्कैंडल ना हुआ होता ना मिसाइल वाला, तो ये कैंडल और ऊपर बनती और हो सकता है वो टॉप को भी काट देती। पर फिर भी आज कैंडल बहुत अच्छी बनी है, उसने अच्छी रिकवरी दी है, अब ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। लेकिन एक अभी भी प्रॉब्लम है, देखिए एमएसडी चार्ट पे तो बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, आरएसआई में थोड़ा रिवर्सल देखने को मिला है, कैंडल बहुत मजबूत ग्रीन कैंडल है और इसने फिर से 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर डिसीसिव क्लोज दिया। हालांकि अभी लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है जो एक नेगेटिव है, सुपर ट्रेंड अभी रेड है जो कि एक नेगेटिव है। मेरे को लगता है बाजार चढ़ सकता है, मेरा ओपिनियन है, मैं नॉस्टैल्जिक नहीं, गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है ये है ना कि फिर कोई मिसाइल गिर गई, अब पता तो चलता नहीं ना, पीछे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का था, हम कह रहे थे कि हमने पड़ोसी देश पे सर्जिकल स्ट्राइक किए, उनको मारा है, और पड़ोसी देश कह रहे नहीं हमारे यहाँ तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। अब कहीं वही बात ना हो ना, इसराइल ने तो गिरा है और ईरान वाला कह रहे नहीं हमारे ऊपर तो कोई नहीं गिरा, पर गिरा भी है, अब ईरान बदले के भावना से कुछ कर दे। और अगर इसराइल ने नहीं गिरा, उसने कहा हम गिरेंगे, तो क्या पता बाद में गिर दे। नहीं, डर और भय तो बने ही हुए हैं ना। अगर कोई ऐसा इवेंट है एक बारी को होता है तो दिक्कत का कारण तो है ही ना, भले उसके बाद बाजार बढ़ जाए पर एक बार तो बाजार गिर सकता है। यानी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अपने लिए, जो कि मैं इस महीने की शुरुआत से कर रहा हूँ, कि बाजार में गिरावट आ सकती है और उसका बेनिफिट भी हो, मैंने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग की थी और आज भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट बुकिंग की है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है और आपकी शुभकामना है, अदरवाइज ही होता नहीं। आज सुबह कैश पड़ गया था बहुत भारी शॉर्ट, 12 के करीब नेगेटिव चला गया था और मुझे लगा यार कैश में 12 का अरेंजमेंट करूँगा तो दिक्कत आएगी, मुझे ऐसी फीलिंग आई। और मैं पहले से ही प्रिपेयर था, मैंने कुछ फ्यूचर शॉर्ट किए हुए थे, कुछ मेरी कॉल इन द मनी थी, मैंने कॉलों को लॉस में स्क्वेयर ऑफ किया, फ्यूचर को काटा और उनके शेयर बेच दिए। और बाद में तो इतना कैश इकट्ठा हो गया क्योंकि बाजार चढ़ गया, सारा कैश रिलीज हो गया और कैश सरप्लस हो गया, ठीक है ना। अब आगे की डिफ़िकल्टीज़ को झेलने में आसानी रहेगी। तो ये सारी कहानी आज की बनी, मैं कहूँगा आज प्रॉफिट बुकिंग भी इसके चलते बहुत अच्छी हो गई। तो ये महीना मेरे को लगता है वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग रह सकता है। अब मार्केट का मूड माहौल देखिए आप, मार्केट का इंडेक्स देखिए आप, आज ये तंग क्यों कर रहा है कुछ? बस तंग कर रहा है कुछ चार्ट्स आने में, इंटरनेट तो इसलिए इंटरनेट का इसका लेना देना है नहीं। अब आ गए देखो, अब हम एक्सट्रीम फियर में चले गए हैं, मार्केट मूड बहुत ज़्यादा गिर जाता। और ये मेरा, मैंने देखा जब हम एक्सट्रीम फियर में चले जाते हैं तो बाजार करवट ले लेता। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी चिंताएं छोड़ो, क्योंकि देखो कुछ होते हैं नोन फैक्टर, कुछ होते हैं अननोन। नोन फैक्टर्स तो कोई चिंता के नहीं है, पर अननोन फैक्टर सबसे बड़ा इसराइल और ईरान का हुआ पड़ा है इस वक्त, तो वो अगर कोई एक्सट्रीम हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। बाकी एक्सट्रीम फियर पे हो गए, एक्सट्रीम फियर के बाद बाजार ओवरसोल्ड हो जाता है और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब देखो आज हल्का सा ये भी पड़ गया, थोड़ा सा हल्का सा कह लीजिए, ये हल्का सा बढ़ गया आपका यूएस डॉलर इंडेक्स। क्रूड बढ़ा था सुबह फिर बाद में गिर गया, तो ये तो काफ़ी फेवरेबल है।
रुपया हल्का सा हुआ अपर साइड पर है और ये भी हल्का सा अपर साइड पर। तो जो नेगेटिव वाले तीन इंडिकेटर है इंटरनेशनल, यूएस डॉलर इंडेक्स, USD/INR, 10-year ट्रेजरी, ये स्टेबल से हैं। और ब्रेंट क्रूड कल के मुकाबले तो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन आज सुबह जो ज़्यादा बढ़ गया था उसके मुकाबले घट गया। तो यानी इस वक्त तो वही मैं बोलूँगा राम राज्य सा स्थापित हो गया। और आज हमारे FIs ने, कल मैंने गाना गाया था ना, कौन सा, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, ये गाना FIs को छू गया, वापस आ गए। बड़े दिनों के बाद एक बड़ी खरीदारी करी है, हालांकि कैश सेगमेंट में बहुत थोड़ा माल खरीदा है, इंडेक्स फ्यूचर भी थोड़े खरीदे, पर स्टॉक फ्यूचर दबा के खरीदे। लगता उनको डर बैठ गया यार सस्ते में माल पकड़ लो। और 5,000 करोड़ की उन्होंने नेट खरीदारी करी। DIs ने हल्की सी बिकवाली करी आज, और कुल बहुत थोड़ी सी ना के बराबर खरीदारी नेट आई है। तो बाजार इतना भागा तो आज मतलब कुछ काम खास हुआ नहीं इसका मतलब। और प्रैक्टिकली मैंने भी बहुत खरीदारी कुछ नहीं करी ना, मतलब आज भी लगता है कि लोग देखते ही रह गए, कुछ ज़्यादा काम वाम हुआ नहीं है। अब अगर आप देखेंगे ना FIs की लॉन्ग इंडेक्स में तो काफ़ी लाइटर साइड पे, और स्टॉक में भी लोअर साइड पे ही है। अभी FIs हल्के हैं, तो अगर इन्वायरमेंट कंड्यूसिव रहता है और अगर ये खरीदारी करते हैं तो बाजार में तेज़ी जो है तेज़ देखने वाली मिलेगी आपको, मतलब लगेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया बाजार चल रहा है, नहीं समझे। तंग कर रहा है क्या बात है। अब इंडेक्स पे आ जाओ, आज आप देखेंगे स्मॉल कैप 100, स्मॉल मिड कैप 50 और स्मॉल कैप 50 गिरे हुए थे। इसके साथ साथ मिड कैप 100 भी गिरा हुआ था और नेक्स्ट 50 भी गिरा हुआ था। तो सबसे बड़ी गिरावट आज आप देखोगे तो वो मिड कैप वाले शेयरों में थी, स्मॉल कैप हल्के फुल्के गिरे हुए थे, बाकी निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी बैंक तो सबसे ज़्यादा तेज था, और निफ्टी 50। यानी जितना मतलब ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो कंपैरेटिवली लार्ज कैप आज स्ट्रांग था, मिड कैप काफ़ी वीक था, स्मॉल कैप भी वीक था। और आपका इंडिया विक्स लगातार बढ़ रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन प्रीमियम बढ़ गए हैं और बड़े भी हैं। आज 990 शेयर एडवांस थे और 1216 शेयर डिक्लाइन में थे, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज एडवर्स ही था मान के चलिए। और बढ़िया तेज़ी आज आपको RBL बैंक में, बजाज फाइनेंस में, एस्कॉट्स कुबोटा में और M&A में देखने को मिली। RBL मेरे पास भरा हुआ है, बजाज फाइनेंस में मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है आज, और उसका भी बताऊंगा डिटेल। गिरने वालों में M&M फाइनेंशियल मेरे पास है, कुमिंस खास नहीं है, लुपिन काफ़ी है, टाटा कम्युनिकेशन तो भरा हुआ है, और सबसे ज़्यादा पिटाई आज टाटा कम्युनिकेशन की हुई। टाटा कम्युनिकेशन तो एक ही बात कह रहा था आज, मैंने कुछ नहीं किया है भाई, फिर क्यों हो रही है मेरी पिटाई। सच में टाटा कम्युनिकेशन कभी, मैंने कुछ नहीं किया है भाई, फिर क्यों हो रही है मेरी पिटाई। अरे 16 रुपए का डिविडेंड दे दिया, 2 क्वार्टर खराब थे, क्वार्टर सेकंड और क्वार्टर थर्ड, क्वार्टर फोर्थ में सारी रिकवरी हो गई। अब जो सेकंड थर्ड खराब थे वो तो ईयरली पे इम्पैक्ट डालेंगे ना, पर क्वार्टर फोर्थ तो साफ दिखा रहा सब रिकवरी हो गई, और डिविडेंड भी अच्छा दे दिया, हालांकि प्रॉफिट EPS गिर गई। इसको इतना मार दिया इसकी चटनी निकाल दी। सबसे बड़ा लॉस मुझे टाटा कम्युनिकेशन में हो रहा है, मैंने इसमें करीबन 15 से 20 लॉट का काम किया हुआ है, एग्जैक्ट याद नहीं है, हाँ इतना ही किया हुआ, 15 से 20 लॉट होंगे लगभग 20 के आसपास। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें ही दिया, आज मैंने इसकी कॉलेज क्योर ऑफ कर दी, अच्छा मुनाफा कमाया, मैं आपको शेयर भी करूँगा अभी। अब निफ्टी या 50 को देखिए, आज की करामात देखिए, 29 एडवांस 21 डिक्लाइन, यानी ओवरऑल मार्केट का एडवांस डिक्लाइन एडवर्स है, एडवांस कम है डिक्लाइन ज़्यादा है, पर निफ्टी 50 का एडवांस ज़्यादा है डिक्लाइन कम है, यानी इंडेक्स ओवरऑल बाजार से तेज है, ये मैंने बात आज नोट करी। और इसका परिचय ये भी था कि आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा था जबकि इंडेक्स बढ़ा हुआ था, पोर्टफोलियो आखिर तक लॉस में था। अभी देख लेते हैं इस वक्त बंद कैसे हुआ है, मेरा ख्याल लॉस में ही हुआ है, एक पे तो वीडियो बन रही है तो वो तो देख नहीं पाऊंगा, पर एक देख लेता हूं आपके लिए। बहुत मिनिस्क्यूल, बहुत थोड़ा सा 0.05% बढ़ा हुआ है, लास्ट में बढ़ा हुआ। तो ये आज बात थी, 21,995 पे बंद हुआ, बड़ी वाली गैप डाउन ओपनिंग,
मिसाइल के चलते 21,861 पे शुरू में बॉटम बनाया, 21,777 का कुछ देर वहाँ घूमता रहा, फिर गोली हो गया, फिर ऊपर पे जाके घूमता रहा, पीक बना लिया 22,180 के लपेटेगा और 22,147 पर 150 पॉइंट चढ़कर 0.7% की रफ्तार के साथ बंद हुआ। और भागने वाले शेयर बजाज फाइनेंस, M&M, मारुति सुजुकी, HDFC बैंक, JSW स्टील, ग्रासिम और विप्रो थे। विप्रो चल गया, ये अच्छी बात है। गिरने वालों में सबसे आगे बजाज ऑटो, नतीजे कामयाब बढ़िया पर मार दिया। HCL टेक, नेस्ले, डिवीज लैब, TCS, लार्सन और हीरो मोटर कॉर्प, चटनी बना रखी थी इनकी। और चार्ट को तो हमने डिस्कस कर ही लिया, और अब आ जाइए PCR के ऊपर। देखो पहले PCR का रेशियो देख लीजिए भाई साहब, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, 0.96, अच्छी इम्प्रूवमेंट है। अब 22,147 पे बाजार बंद हुआ तो 22,000 पे देखो कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटर्स का कब्जा है, लेकिन तो 22 के नीचे तो अभी बाजार जाता नजर नहीं आ रहा, हफ्ता भर देखते हैं। और 22,500 पे कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग घटी है, तो ऊपर 22,500 एक स्ट्रॉन्ग इस वक्त रेसिस्टेंस बना हुआ है। 22,500 के ऊपर बाजार के जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, पर जा सकता है। और 23,000 पे तो बहुत कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ना के बराबर। अब ऑपरेटर का कुछ मूड किया कि कॉल राइटर्स की चटनी बनानी है, तो ही वो 23,000 की तरफ भागेगा बाजार, जो कि हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि चांसेस स्लिम है। अब आ जाइए निफ्टी बैंक पे, 47,000 के लपेटे में बंद हुआ था, आज करीबन 300 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, बॉटम बनाया 46,579 का, थोड़ी देर घूमा फिर भागा, फिर ऊपर थोड़ी देर घूमा, अल्टीमेटली 47,668 का पीक बनाकर 47,574 पर 504 पॉइंट बढ़कर 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ धमाल मचाकर बंद हुआ है। अगर आप देखें तो आज धमाल मचाकर बंद हुआ है। भाग कौन रहा था? HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, लिस्ट देख लीजिए, सारे बड़े बैंक स्ट्रांग थे। और इसका अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो 7 बड़े हुए थे, 5 गिरे हुए थे। और देखिए आप गिरने वालों में AU स्मॉल फाइनेंस, PNB, IDFC फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, बंधन हल्का सा बढ़कर बंद हुआ, बंधन इस वक्त काफ़ी पिटा है, इसकी कैंडल तो बहुत मजबूत थी और कल की कैंडल को लगभग खा गई है, थोड़ी सी ऊपर की वीक रह गई है। आप ये देखिए, अगर ये वीक ऊपर वाली लंबी होती ना तो इसको हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल वो कैंडल होती है जिसकी ग्रीन बॉडी हो और पिछले दिन की लाल बॉडी से बड़ी ग्रीन बॉडी हो और वो अपने अंदर पूरी कैंडल को संभाले, ऊपर का हिस्सा रह गया, अदरवाइज तो ये आज की कैंडल जो है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाती है। MACD चार्ट पे बेयरिश क्रॉसओवर है, RSI 50 के ऊपर है। तो अगर मैं दोनों चार्ट्स को कंपेयर करूं तो निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग है, कई रीज़न है। निफ्टी बैंक की कैंडल जो है मिडर बोलिंजर बैंड के नीचे बंद हुई है, निफ्टी 50 की, निफ्टी बैंक की ऊपर है। निफ्टी बैंक ने की कैंडल ने कल की बेयरिश कैंडल की बॉडी को खा लिया, निफ्टी 50 नहीं कर पाया था। निफ्टी बैंक की कैंडल 50 डेज मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर है, वो जस्ट उसके ऊपर बंद हुई है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा मजबूत चार्ट पे नजर आ रहा है और ये गैप छूटा हुआ और MKJ गैप फिलिंग थ्योरी के चलते ये भरना चाहिए। इस वक्त जो नीचे छूट जाते हैं उनका तो भरने की कोई गारंटी नहीं है जो ट्रेंड चल रहा है बाजार में, पर ऊपर वाले भर जाते हैं तो उसके चलते लगता है ये गैप भर जाना चाहिए, बाकी देखते हैं यार। अब आ जाओ ऑप्शन चेन पे, 47,574 पे बाजार बंद हुआ, 47,500 पे देखो हल्की कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग ज़्यादा बढ़ी है, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग टक्कर की, हालांकि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से ज़्यादा है, तो 47,500 पे थोड़ा सा टक्कर की फाइट है। पर अगर आप 47 पे आ जाओगे तो कॉल राइटिंग बढ़ी है हालांकि पुट राइटिंग के मुकाबले काफ़ी कम है, 48,000 पे आ जाओ कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग बढ़ी है पर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के मुकाबले ज़्यादा है। तो जो एक ब्रॉड रेंज निकल के आती है इस एक्सपायरी की 47,000 है, क्योंकि मैक्सिमम पेन इस वक्त अगर आप देखेंगे 48,000 और 47,500 पर है सेकेंड हाईएस्ट, तो जो बायस है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, हालांकि 47,000 पे भी टक्कर का है। तो एक ब्रॉड रेंज 47 और 48 की है, बीच में ऑपरेटर को वोलेटिलिटी खेलनी है, किसी एक साइड के कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स को मारना है तो उसकी तरह से बाजार को भगाकर एक तरफ को ले जा सकता है। PCR काफ़ी न्यूट्रल हो गया, बिल्कुल न्यूट्रल, काफ़ी जंप है। तो मैंने कहा ना टेक्निकली निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अब आप देखिए 9,03,000 की
प्रॉफिट बुकिंग है, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से। एक फ्यूचर बाय किया, 3 फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किया, आपकी शुभकामनाओं से ही संभव हुआ है। 4 ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किए, 3 स्टॉक स्क्वेयर ऑफ किए, 2 एग्रेसिव पुट सेल करी, 1 सेफ पुट सेल करी, 7 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। अब आप देखो, वेदांता का मैंने 2300 शेयर बेच दिए, देख रहे हैं आप, और 1 फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किया। फ्यूचर में मुझे नुकसान हुए 104,000 का, आपको डाटा लिखा है तो बताओ जरा। अब ये शेयर की मेरी एवरेज कॉस्ट है 240 इस वाले अकाउंट में ना, जहाँ से मैंने बेचे, और इनकी सेल प्राइस एवरेज अगर मेरी निकल के आती है करीबन 393.50 रुपये के आसपास है, 43 पैसे थी, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के 60 रुपये एक हो गया, 90 रुपये एक हो गया, 133 रुपये के करीब फ़ायदा हुआ एक शेयर में। तो 2300 से मल्टीप्लाई करिए कितना आता है, 153 से 51,952। ये लॉस काट के ना ना शेयर्स में प्रॉफिट, ये 3,52,000 का शेयर्स में प्रॉफिट है, 104,000 का नुकसान है, घटा लीजिए आपको नजर आ जाएगा लगभग 247,000 का प्रॉफिट है। प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, आपकी शुभकामनाएं। अब आ जाइए इंडस टावर, इंडस टावर की मैंने कॉल बेची हुई थी आपकी 300 की, भाग गया था ये, उसको 54 रुपये के आसपास में मैंने स्क्वेयर ऑफ, नहीं 50 रुपये के आसपास स्क्वेयर ऑफ किया था, 160,000 का नुकसान हुआ। इसके अगेंस्ट मैंने एक अकाउंट में से 2150 शेयर बेचे जिनकी कॉस्ट थी 205, दूसरे अकाउंट में से 1220 शेयर बेचे इसकी कॉस्ट थी 191 के आसपास। हाँ सर, तो शेयर्स में कितना प्रॉफिट हुआ, 462,000 प्लस का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 1,59,000 घटा लीजिए, 463 से ज़्यादा, तो 159 घटाएंगे अगर आप तो 304,000 के लपेटे में इसमें प्रॉफिट हुआ, प्रभु का आशीर्वाद। 3.5 लाख से ऊपर होगा, 3.5 लाख के आसपास होगा जी, 463 कह रहे हो ना, 159 घटाऊंगा, 3,03,000 के आसपास होगा ना, तो प्रभु के आशीर्वाद। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, मोटा प्रॉफिट है, एग्जैक्ट कई बार मैडम ने कैलकुलेशन ना कर दी क्योंकि वो 350 कह रही, बन तो 3,03,000 रहा है। फिर वोल्टास में देखिए, वोल्टास का मैंने एक फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ था, मैंने स्क्वेयर ऑफ कर दिया, 1,05,000 का नुकसान हुआ। वोल्टास के 600 शेयर मैंने 1,286.95 रुपये के बेचे और खरीदारी थी 881.35 रुपये की, कितना प्रॉफिट है सर इसमें, शेयर्स पे हुआ 243,600, शेयर्स पे 243,600 का है और फ्यूचर में लॉस 1,05,000 का घटा लीजिए तो 1,38,000 के लपेटे में प्रॉफिट आ गया इसमें। फिर मैं रुका नहीं, मैंने कहा यार मामला थोड़ा ठीक नहीं है, तो मेरी क्रॉम्पटन का फ्यूचर भाग गया था पर इसकी कॉल में नुकसान था, मैंने कॉल भी स्क्वेयर ऑफ करी, फ्यूचर भी स्क्वेयर ऑफ किया, कॉल में छोटा सा नुकसान हुआ 4,050 का, फ्यूचर में 49,500 का घटा लीजिए, 45,000 से ऊपर का प्रॉफिट इसमें आ गया, 45,450 का टू बी प्रिसाइज। फिर मैं रुका नहीं, अचानक बजाज फाइनेंस भागा, मैंने इसके फ्यूचर को स्क्वेयर ऑफ कर दिया, इसमें भी 57,835 रुपये बच गए। फिर भी नहीं रुका, मेरे को थोड़ा सा था कि निकल जाओ, मैंने 1500 शेयर्स थे, कॉल बेची हुई थी, 5.40 रुपये स्क्वेयर ऑफ करी। लोगों ने कहा सर इसको क्यों स्क्वेयर ऑफ कर रहे हो आप, अभी तो इसका काफ़ी प्रीमियम था। मैंने कहा यार देखो, मैंने कहा इसमें मुझे फ्यूचर्स में बड़ा नुकसान हो रहा है, पुट्टों में बड़ा नुकसान हो रहा है, अगर तो ये भाग गया तो फिर कॉलें बहुत बढ़ जाएंगी, तब फिर से बेच लूँगा, अगर नहीं भागा जाए इतना नुकसान हो रहा है, 7,500 का क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने दिल कड़ा करके बेच दिया, इसमें भी 65,250 रुपये बचे। तो बेटा ये कोई ऐसा नहीं है मैंने करिश्मा किया है, कोई जादू कर दिया है, ये सब प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु का कृपा है। आप मानो ना मानो, हम केवल कठपुतलियाँ हैं, हमारे बस की कुछ है नहीं, ये तो प्रभु की लीला होती है, प्रभु दिमाग में कुछ बिठाता है अच्छी बात, जिसके चलते ऐसा हो जाता है। तो आज आपने देखा, मैंने परफेक्ट आपको दिखाया कि कैसे कैश मैनेजमेंट की जाती है। सुबह इतना नेगेटिव था कैश, इतना नेगेटिव था, मैंने सारा कैश जनरेट किया, ये जो फ्यूचर शॉर्ट किए हुए थे, जो कॉलें मेरी इंदा बनी थी, इनको मैंने रिजर्व में रखा हुआ था आज ही के लिए। आज एक ऐसा दिन था कि सबके कैश खत्म हुए, लोगों के मैसेज आ रहे थे मुझे, सर सौदे अपने आप कट रही है, क्या हो रहा है भाई। एक्चुअली प्लेटफॉर्म का साफ हिसाब है, आपका अगर कैश बैलेंस नेगेटिव हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉल इन द मार्केट, तो आपको पैसे जमा कराने होते हैं, वो आपको मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, थोड़ा समय देते हैं, आप नहीं कराते हो, उन्हें रिस्क लगता है आपके, अगर मार्जिन आपके पास फंड्स कम होते हैं तो वो डरते हैं, तो आपके सौदे स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं, ऑटो स्क्वेयर ऑफ भी हो जाता है। तो ध्यान रखा करिए ऐसे केस में,
हालांकि मेरा मार्जिन तो बहुत सारा पड़ा हुआ था, काफ़ी मैं मार्जिन फ्री, मैं बहुत बहुत मार्जिन छोड़ के चलता हूँ सेफ्टी के लिए। आज थोड़ा सा मैं भी, मेरे सौदे बहुत ज़्यादा हुए पड़े हैं ना, तो मैं भी थोड़ा सा रुका हुआ था, इसलिए मैंने आज बहुत सौदे नहीं करे। अब कहते रहो बहुत सौदे नहीं करे, मैडम कहती करे तो हैं इतने सारे सौदे, देखो आप, कहती आपने एक फ्यूचर बाय कर लिया, तीन चार आपने कर दिए, दो एग्रेसिव पुट भेज दिए, एक सेफ पुट भेज दिए, तो तीन सौदे तो चार सौदे तो आपने कर ही दिए जाते जाते। मैंने कहा पर मैंने स्क्वायर ऑफ भी तो किए हैं तो नेट में तो कमी की है ना, लेकिन फिर भी मौका देख के आदमी कर लेता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियोज़ और डेमोज द्वारा सिखाता हूँ, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ। बच्चे पूछते हैं कि सर हम ये शेयर खरीद लें, मैं अपने रिस्क कैपिटाइट से खरीद दो, आपका रिस्क कैपिटाइट अलाउ करता है खरीदो, आपके फंड्स अलाउ करते हैं, आपको समझ में आता है आपका रिस्क कैपिटाइट या आपको मार्केट रिस्क समझ में आते हैं तो अपने डिसीजन लो ना, किसी से मत पूछो। कि जिसने टिप ली, जिसने किसी के ट्रेड कॉपी के अंदर दूँ मरेगा ही मरेगा। सदा अपना रिस्क कैपिटाइट करो, प्रेरणा किसी से भी ले सकते हो। हम टीवी पे देखते हैं, लोग बोलते हैं, टीवी पे एंकर बोलते हैं आज हम सिप लगाएंगे, आज हम ये करेंगे, तो थोड़ी प्रेरणा हमें भी मिलती है। लेकिन ये थोड़ी है कि वो करेंगे तो मैं भी जरूर करूँ, मैं अपना रिस्क कैपिटाइट दिखूँगा ना। जब सब लोग बेच रहे होते मैं खरीद रहा होता हूँ, जब लोग सब खरीद रहे होते मैं बेच रहा होता हूँ, मेरा अपना हिसाब है। मैं रेनी डेज के लिए कुछ पोजीशनें ऐसी बना के रखी होती हैं जिनको छोड़ा होता है मैंने कि रेनी डे में इसको कवर अप करूँगा। अभी मेरे कई सारे फ्यूचर शॉर्ट पड़े हैं, देखो LNT में एक फ्यूचर शॉर्ट पड़ा है, मैं याद करता हूँ जब भूल जाता हूँ ना, LNT का ही याद आ रहा है अभी तो, और कोई है शॉर्ट? LNT याद आ रहा है मैडम मेरी, मुझे भी ध्यान नहीं, पर मेरी कुछ कॉल इन द मनी अभी भी चल रही है। तो वो रेनी डेज के लिए होती है जो हेल्प करती हैं। और भी कई तरीके होते हैं कैश मैनेजमेंट के जो मैं आपको डेमो देता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। तो अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के, तो 70113230770 आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं कॉल करके, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन जाकर भी बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से खुलवाइए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।